जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 15 अक्टूबर 2019 दिन मंगलवार, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज प्रतिपदा तिथि मध्य रात्रि 4:21 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से लेकर 12:29 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 2:57 से लेकर 4:23 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज। आइए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। फर्नीचर के विक्रेता आज खुद को भाग्यवान महसूस करेंगे और ज्यादा कस्टमर मिलने से आज खूब बिक्री करेंगे। आज अपनी फैक्ट्री डालने या नया होटल या नया रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए यदि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आज का दिन शुभ है। आज इस दिशा में कोई भी कदम उठाने से आपके पूरे प्रोसेस में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप बड़ी सरलता से अपना व्यापार आरंभ कर पाएंगे। आज आप अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें, आज उनको चोट फाट लगना या किसी गर्म वस्तु से संपर्क में आकर जल जाने के निशान पड़ने का खतरा बना हुआ है। आज आपको गुस्सा भी अधिक आ सकता है और आप अनावश्यक झगड़ों में उलझकर खुद के लिए परेशानियों को न्योता दे सकते हैं। आज आप अनावश्यक यात्रा करने से भी परहेज करें और ड्राइविंग भी अत्यंत सावधानी से करें, आज आपके साथ दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। अभी कुछ समय के लिए आप लाल रंग के पिलो कवर्स यूज करें, आज व्रत रखना आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि वालों, अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और फिर भी आपकी शादी में अनावश्यक विलंब हो रहा है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही मंगवा सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से छात्र माता मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सदैव अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का उपयोग करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वाग वादिनी सरस्वती मम जिवा अग्रे वासम कुरु कुरु स्वाहा। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वाग वादिनी सरस्वती मम जिवा अग्रे वासम कुरु कुरु स्वाहा। यदि आप इस मंत्र का उपयोग आज श्रद्धा पूर्वक करते हैं और सरस्वती माता को ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने एग्जाम्स में हमेशा सफलता हासिल करेंगे। नमस्ते, माय नेम इज किरण एंड आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आई एम एक्चुअली अ चैरिटी लीडर इन साउथ अफ्रीका एंड आई आल्सो हैव बीन ऑन द लोकल TV programs and newspapers, and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishi ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013, and I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology, and that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail, and with his blessings I was able to go forward, and afterwards a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maa Rukmani Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peet, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Maa, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings. And also it brings about a whole lot of light in life.
So I would recommend visiting Shani Peeth at any point in time because it's a place that you will definitely get genuine help. क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? क्या आपके किस्मत के सितारे गर्दिश में हैं? क्या बैड लक आपका पीछा ही नहीं छोड़ता? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।